दोस्तों, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आपको एक हाई क्वालिटी ऑडियो, एक अच्छी आवाज़ का एक्सपीरियंस करना है तो लगभग आपको कम से कम कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पहले ही बता दूं कि हाई क्वालिटी ऑडियो जो अच्छी साउंड से मिले हैं क्या मतलब है। उससे मतलब है दोस्तों, जिससे आपको सुकून मिले, डिटेलिंग अच्छी हो, बैकग्राउंड की वो जो छोटी छोटी डिटेलिंग है एक एक करके सही मायने में क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे, एक एक इंस्ट्रूमेंट भी दोस्तों आपको एकदम अच्छे से सुनाई दे, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ और एक अच्छा साउंड स्टेज आपको मिले। अगर आपका दिमाग साउंड बार की तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको एक साउंड बार्स की दुनिया का एक सच बता दूं जो कि बहुत अनकंफर्टेबल है। 5,000 के नीचे साउंड बार से स्टार्ट करते हैं। देखो, 5,000 के नीचे जितने भी साउंड बार्स हैं ये एक सिर्फ आपको आवाज़ तो देते हैं बट ना क्वालिटी मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट और हाइज तो बहुत दूर की बात है, बस सिर्फ आपको आवाज़ आएगी। कहने का मतलब ये है कि टीवी से एक नेक्स्ट स्टेप अपग्रेडेशन हो सकता है, और सही मायने में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इतना ज़्यादा जंप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्वालिटी में अगर आप टीवी से स्पीकर से कंपेयर करोगे इनको। तो ये और एक 7-8 हज़ार की रेंज की ब्लूटूथ स्पीकर, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो 5,000 के नीचे के जितने भी साउंड बार्स हैं मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करने चाहिए, खासकर वो जो सबवूफर के साथ आ रहे हैं। अब बात करें दोस्तों 10,000 से नीचे के साउंड बार की, डेफिनेटली वो 5,000 के जो नीचे के साउंड बार्स हैं उनसे बेटर तो हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। या तो उसमें आपको भर भर के बेस मिलेगा, बेस में ना किसी तरह की टाइटनेस मिलेगी, क्वालिटी ओवरऑल नहीं मिलेगी, और हाइज तो आप भूल ही जाओ। वोकल्स की बात करें तो चुनिंदा साउंड बार है जिनके वोकल्स अच्छे हैं, जैसे कि JBL का 240-241 और क्रिएटिव स्टेज V2 है। अरे भाई, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जिस प्राइस टैग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो प्राइस एक नॉर्मल प्राइस, सेल वाला प्राइस नहीं है। हो सकता है सेल पे किसी 8,000 का साउंड बार हो और वो 5,000 पे आ जाए, तो एक अलग चीज़ है। बात करूँ दोस्तों 20,000 से नीचे के साउंड बार की, तो डिटेलिंग और एक अच्छे साउंड स्टेज की मैं बात करूँ तो वहाँ मुझे एक पॉल कोर्टिस सिग्ना S2 लगा, और काफ़ी अच्छी ऑडियो है उसकी, मैंने पर वीडियो बनाई हुई है, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा और वैल्यू फॉर मनी भी है। इसका प्राइस अराउंड 18-20 हज़ार रुपये का रहता है, और सेल में हो सकता है थोड़ा बहुत कम मिल जाता हो। अब और ऊपर जाएं हम 30,000 से नीचे, तो वहाँ मुझे यामाहा YS-209 बहुत अच्छा लगा, इस पर काम चल रहा है अभी, बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। इसको मैं बोल सकता हूँ वैल्यू फॉर मनी, अच्छी डिटेलिंग, एक अच्छा साउंड स्टेज आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। और 30,000 से ऊपर की फिर हम बात करें तो वहाँ तो ऑप्शन ही ऑप्शन से हाई फाई स्पीकर्स हैं, आप एम्पलीफायर्स मिल जाते हैं आपको अच्छे अच्छे, बुक सेल्फ स्पीकर मिल जाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप इतने महंगे स्पीकर्स लोगे तो आपको अकॉस्टिक ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, जिसमें आपका हो सकता है 10-20-30-40 पता नहीं कितना खर्चा आ जाए, तो एक महंगा अच्छा खासा सेटअप बन जाता है। दोस्तों इतना हमें यहाँ ये तो समझ में आ गया कि अच्छी ऑडियो लेनी है, ऑडियो के अंदर सुकून लेना है, डिटेलिंग लेनी है, मज़ा लेना है, तो कम से कम 30,000 रुपये उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। फिर आपके बजट के ऊपर बात है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी अच्छी क्लैरिटी और डिटेलिंग आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों जिसको साउंड डिटेलिंग भी चाहिए और पैसा इतना खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके पास क्या ऑप्शंस है? दोस्तों मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि 4,000 के नीचे नीचे भी आप अच्छी डिटेलिंग ऑब्टेन कर सकते हो। देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा था उसमें ये पूछा था कि म्यूज़िक के अंदर आपको डिटेलिंग लेनी है, अच्छी आवाज़ का एक्सपीरियंस करना है, तो आपको मिनिमम कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने आपसे ये नहीं बोला था कि कौन सा ऑडियो गैजेट। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये है सेलनोट्स की IEM, जिसका पूरा नाम है Cellnaut 07 Hertz। इसके बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कि किसी का अगर बजट कम है और उसको अच्छा म्यूज़िक एक्सपीरियंस करना है, तो डेफिनेटली उसको होम स्पीकर, होम थिएटर्स या साउंड बार्स को अवॉइड करना ही पड़ेगा, और उसकी जगह अच्छा है कि वो एक अच्छी क्वालिटी की IEM या ईयरफोन्स ले आए। बाय द वे, IEM और ईयरफोन्स में डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूँगा। उससे पहले दोस्तों, कितनी कमाल की IEM है ये तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि ईयरफोन्स वर्सेस होम स्पीकर्स, इसमें जो डिबेट छिड़ी रहती है उसमें विनर कौन है, इसमें आपको क्या परचेज करना चाहिए और किसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए एक कंक्लूजन तो आपको यहाँ पता चल गया होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी का लिमिटेड बजट है, लेट से 4,000 रुपये या 2,000 रुपये, तो उसमें आप जो एक ईयरफोन या IEM जो भी खरीदें वो डेफिनेटली बेटर निकलेगी उसी प्राइस रेंज या उससे डबल, इवन ट्रिपल या फिर 5 times या 10 times वाले एक स्पीकर से भी। और हो सकता है दोस्तों कि अगर आपने एक अच्छी ईयरफोन परचेज़ की है, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, जो जिस IEM को मैं मेरे पास है सेलनोट्स, तो उसमें आपको हो सकता है कि 20 गुना पैसे खर्च करने के बाद ये ऑडियो क्वालिटी एक होम थिएटर के अंदर या स्पीकर या साउंड बार के अंदर ऑप्टेन हो। अब मैं थोड़ी सी जिक्र इस IEM के बारे में करना चाहूँगा। दोस्तों IEM का मतलब आपको पता होगा, इन ईयर मॉनिटर, और ये ईयरफोन से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये थोड़ा सा प्रोफेशनली डिजाइन किए जाते हैं, और यहाँ आपको अच्छी खासी आवाज़, अच्छी खासी डिटेलिंग, अच्छा एक साउंड स्टेज आपको मिल जाता है। ईयरफोन्स थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। ईयरफोन्स में दोस्तों कोई बेस बूस्टेड है, कोई अलग अलग है, कोई फीचर रिच है, तो उनकी एक कैटेगरी थोड़ी सी अलग हो जाती है। दोस्तों इस IEM के बारे में बताऊँ, इसकी ये आपको मिल जाएगी हेडफोन जोन या अमेजोन के ऊपर लगभग 2,000 रुपये या उससे नीचे में। और इस पे भी वही बात अप्लाई होती है कि इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो हो सकता है आपको कि वो डिटेलिंग, स्पेशली मैं यहाँ डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, वो आपको इससे 20 गुना प्राइस वाले किसी स्पीकर में मिले।
वहाँ तक जाके मिले आपको। तो इन चीज़ों को दोस्तों कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किसी ना किसी टाइम पे एक जो थोड़ा सा म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेता है उसके मन में क्वेश्चन तो आया होगा कि मैं म्यूज़िक मुझे सुनना है तो ये बेटर है ये बेटर। अब डेफिनेटली दोस्तों ये IEM बहुत मैं इसको पिछले कई महीनों सुना और बहुत ही एक एक डिटेलिंग सुनने को मिल रही है। और आपको जब इसको पहली बार ट्राई करोगे, अगर आपने कोई IEM अभी तक नहीं सुनी है, कोई आपने एक अच्छे ऑडियो फाइल लेवल की कोई चीज़ अभी तक नहीं सुनी है, तो डेफिनेटली इसको लगाने के बाद आपको लगेगा कि वो चीज़ें सुनने के लिए मिल रही इतनी क्लैरिटी के साथ जो आपने आज से पहले नहीं सुनी। और इसका पूरा पोटेंशियल आप यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में एप्पल म्यूज़िक, और उसका दोस्तों आपको प्रीमियम लेके हाई रेजोल्यूशन लॉसलेस कैटेगरी को आप सेट कर लीजिए। उस टाइप की ऑडियो को आप सुनिए, उस टाइप के सॉन्ग्स को सुनिए जो हाई रेजोल्यूशन लॉसलेस में अवेलेबल है, फिर आपको पता चलेगा क्वालिटी का। देखिए एक जनरल क्वालिटी 8-10 MB वाली MP3 गाने की और एक लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी 150 MB तक भी चली जाती है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, डिटेलिंग का काफ़ी डिफरेंस है। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने लाइट जल गई हो, उस क्लैरिटी के साथ आपको ऑडियो मिलेगी। तो हम जो YouTube पे अक्सर ऑडियो सुनते हैं, भले ही फिर वो 1080 पिक्सल में क्यों ना करके सुनते हो, तो वो इतनी हाई क्वालिटी में नहीं होती। और जब हमें हाई क्वालिटी लॉसलेस में ऑडियो सुननी होती है अपने मोबाइल के अंदर, तो हम उसमें फिर मोबाइल का जो डैक होता है यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये एक्सटर्नल डैक खरीदा था और मैं इसके साथ जॉइंट करके टाइप सी है ये, तो तब मैं म्यूज़िक को एंजॉय करता हूँ और उसका जो मज़ा आया दोस्तों नेक्स्ट लेवल। डिटेलिंग बार बार मैं तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी, तो समझिए इस चीज़ को कि एक नंबर की डिटेलिंग है ना। अब इस IEM की इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं दोस्तों, आप सोच रहे हो यार कि मतलब ये क्या 4,000 रुपीज़ के नीचे हमको एक IEM लेनी पड़ेगी, फिर एक डैक लेना पड़ेगा, एप्पल म्यूज़िक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। देखिए ये एक बहुत छोटा सा अमाउंट है जिसमें आप एक हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन फाइनल सवाल एक, अब क्या एक IEM या ईयरफोन बेटर होती है हमेशा एक होम स्पीकर से, साउंड बार से? क्या हमेशा फिर मतलब साउंड बार हमको नहीं खरीदनी चाहिए? उनका क्या बेनिफिट है दोस्तों? उनका भी अपना बेनिफिट है, लेकिन एक चीज़ में मानना पड़ेगा, जहाँ ये ईयरफोन्स और IEMs या हेडफोन्स भी विनर हैं। सबसे पहली चीज़ रूम अकोस्टिक। दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई साउंड बार या स्पीकर लेते हैं उसके हिसाब से हमें रूम अकोस्टिक करने पड़ते हैं। रूम खाली है तो इको आएगा, रिवर्बरेशन आएगा, फिर आपकी प्लेसमेंट होगी, सबवूफर को आप अलग अलग कोनों पे रख के देखोगे, हर बार अलग अलग ऑडियो, इस रूम से उस रूम में ले जाओ तो पूरी ऑडियो चेंज हो जाएगी। तो एक जो एक कंपनी ने आपको एक साउंड सिग्नेचर बना के दिया है ना, वो आपके रूम पे या अकॉस्टिक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ईयरफोन IEM या हेडफोन्स के अंदर आप कहीं भी बैठे हों, किसी रूम में बैठे हों, किसी ट्रेन में बैठे हों, किसी रेगिस्तान में हों या किसी वॉल्केनो पे बैठे हों, हमेशा वहाँ आपको जो ऑडियो एक्सपीरियंस होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो यहाँ ये वाली दिक्कत सबसे बड़ी जो है ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों कन्वीनियंस। ये ईयरफोन हेडफोन्स वगैरह काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, तो आप ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, इनको प्लग करो प्ले करो नो प्रॉब्लम। तीसरी चीज़ दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन, बाहर के जो शोर सलाह कवर कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि देखो डिटेलिंग अगर आपको म्यूज़िक में सुननी है तो एक पहली कंडीशन ये भी होनी जरूरी है कि आपके आसपास थोड़ा सा शोर सराबा कम हो, ताकि आप एक एक चीज़ को बारीकियों के साथ सुन सको। लेकिन दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिर कहाँ हमारे होम थिएटर साउंड बार इन ईयरफोन्स हेडफोन्स पे भारी पड़ जाते हैं। द नंबर वन पॉइंट इज बेस। बेस म्यूज़िक का दोस्तों ऐसा पार्ट है जो म्यूज़िक में एनर्जी डालता है, म्यूज़िक फील डालता है। तो ईयरफोन और हेडफोन में भी बेस तो मिलता है आपको, लेकिन वो जो आपको एक फील मिलेगा, वो जो चेस्ट पे थंप मिलेगा, वो जो रूम में वाइब्रेशन मिलेगी, वो जो डेप्थ मिलेगी, वो जो 3D साउंड मिलेगी बेस के साथ, वो आपको ईयरफोन हेडफोन में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसमें उस तरह का बेस आपको नहीं मिलेगा। ईयरफोन और हेडफोन या फिर IEM का जो बेस है, भले आपके कान को वाइब्रेट कर दे, पूरी बॉडी को वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। तो जो म्यूज़िक में एक एनर्जी फील होती है ना, वो किसी होम थिएटर या साउंड बार में ही हो सकती है। तो ये बेस जो है सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा जो फायदा होता है, इसमें मल्टीपल लोग एक साथ बैठ के सुन सकते हैं किसी साउंड बार को, होम थिएटर को। IEM वगैरह हेडफोन वगैरह में ऐसा आपको जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता, एक बार में एक ही इंसान सुन सकता है इसको। अब दोस्तों आती है एक रियलिस्टिक होने की बात, कौन ज़्यादा रियलिस्टिक हमें लगता है। अगर आपके सामने एक साउंड बार है 2.1 चैनल, सपोज करो एक अच्छी क्वालिटी का साउंड बार है, और एक आपके पास ईयरफोन है, आपको कौन ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा? दोस्तों देखिए, ईयरफोन में क्या होता है कि एक लेफ्ट चैनल है और एक राइट चैनल है। लेफ्ट चैनल वाला जो ईयरफोन है वो हमारे लेफ्ट वाले कान में लगा होता है, राइट चैनल वाला राइट कान में लगा होता है। तो एक कान एक ही चैनल को सुन पा रहा है एक टाइम पे, लेकिन होम थिएटर या साउंड बार के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है, या फिर 2.1 चैनल के अंदर ऐसा नहीं है। उसमें आपका लेफ्ट चैनल लेफ्ट एंड राइट स्पीकर दोनों को सुन, राइट ईयर भी आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों को सुन रहा है, दोनों कान दोनों चैनल्स को सुनने और अपने हिसाब से वो उसको इमेजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ जो एक साउंड इमेजिंग का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है आपको एक साउंड बार, होम थिएटर या आपके एक रियल स्पीकर, ना कि एक ईयरफोन। तो इस चीज़ में दोस्तों एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। और चौथा दोस्तों जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगता है कि कंपनीज कितना भी काम कर लें कंफर्ट होने पे, कितना भी कंफर्टेबल डिज़ाइन बना लें, वो आपके कान पे कोई चीज़ चुपकी हुई है
वो आपको एक लगातार एहसास होता रहेगा रादर देन कि कोई चीज़ आपके दूर रखी हुई है और उससे आवाज़ आ रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये पॉइंट्स हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि किसी का बजट अगर लेस से 4000 रुपीज़ और अच्छी क्वालिटी के ऑडियो एक्सपीरियंस करना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से उसे एक IEM प्लस एक टैग और इस तरह की लॉसलेस ऑडियो को सुनने का एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार जरूर लेना चाहिए। और अगर किसी का बजट ज़्यादा है तो फिर तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं साउंड बार के अंदर जो फ़ायदे हैं वो उसके अपने फ़ायदे हैं जो एक ईयरफोन IEM या हेडफोन में आपको नहीं मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए